मौदा थाना क्षेत्र के रबड़ीवाला टी पॉइंट क्षेत्र में दुर्घटनाएं अधिक होती है। नागरिकों द्वारा शिकायत किए जाने पर इस सड़क पर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। आज दोपहर 12 बजे के बीच विवाहिता काजल अनिरुद्ध जंगम उम्र 25 वर्ष चाचेर मौदा अपनी मां के साथ नागपुर से घर जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात मित्र परिवार के परशुराम वैद्य उम्र 31 वर्ष से हुई और उसने उसकी माँ से आग्रह कर परमात्मा एक मंदिर में दर्शन के लिए चलने को कहा। मौदा से मोटरसाइकिल पर परशुराम के साथ मंदिर जाने का फैसला किया। लौटते समय नागपुर से भंडारा की ओर जा रहे एक टिपर ट्रक ने तेज गति से टक्कर मार दी, जिससे पीछे बैठी काजल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक परशुराम गंभीर रूप से घायल हो गया, उनका इलाज चल रहा है। नागरिक इस बात से नाराज थे कि सड़क कार्य की योजना सुरक्षा गार्ड की कमी के कारण यह हादसा हुआ है। आगे की जाँच मौदा पुलिस कर रही है। NBC News के लिए मौदा से अचल तिजारी की रिपोर्ट।